हेलो बच्चों, आज की इंग्लिश की क्लास में हम करने जा रहे हैं मोदी केयर फाउंडेशन से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 30। तो बच्चों, पेज नंबर 30 पर आज का हमारा टॉपिक है वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग का क्या मतलब होता है? वर्ड यानी कि शब्द और मीनिंग यानी कि अर्थ, यानी कि शब्द का अर्थ, शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं और हमें उनके सामने इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं जो उनके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, और हम उसके लिए यहाँ जो हेल्प बॉक्स बना हुआ है उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको 1 से लेके 5 तक जो हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं आपकी वर्कशीट में, उनके आंसर्स यानी कि उनके इंग्लिश के वर्ड्स लिख के बताए थे। आज हम करेंगे 6 से लेके 10 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हिंदी का शब्द है छत। छत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। तो रूफ कहाँ पर है? यहाँ, यहाँ पर हम इस पर डाल देंगे नंबर 6। तो नंबर 6 लिख दिया हमने इस पर, यानी कि 6 का आंसर है, यानी कि इंग्लिश वर्ड है रूफ। छत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूफ। उसके बाद है बादल। बादल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउड। तो क्लाउड कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर हम इस पर लिख देंगे नंबर 7। तो यहाँ लिखेंगे हम क्लाउड। उसके बाद है नीचे। नीचे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? अंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, नंबर 8। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे अंडर। उसके बाद है खंबा। खंबा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 9। तो पोल है यहाँ पर, हम इसको देख के लिखेंगे POLE, पोल। उसके बाद है बच्चों मेला। मेला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 10। तो बच्चों, यहाँ से हम देख के लिखेंगे फेयर यहाँ पर। तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए छत, रूफ, बादल, क्लाउड, नीचे, अंडर, खंभा, पोल, मेला, फेयर। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने ये वर्कशीट सॉल्व करी है उसी तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक में ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। आज हमने सीखा वर्ड मीनिंग। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।